हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज है हमारे जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम की 10th क्लास। इससे पहले हमने 9th क्लास से कंप्लीट कर लिए, जिनमें 8th क्लासों में हमने वॉल्यूम 5 कंप्लीट की थी और 9th क्लास में हमने प्यू गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉप 20 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। क्वेश्चन नंबर 21 आपका 21, ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिया था पिछले वाले वीडियो में, काफ़ी लोगों का सही आंसर भी था। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सर्कल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका सही आंसर है सी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पोस्टल सर्किल का हेड होता है तो सर्किल ऑफिस का हेड कौन होता है आपके? सीपीएमजी, सी ऑप्शन चीफ पोस्टमास्टर जनरल, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। एसएसपी कहाँ के हेड होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके डिविजनल ऑफिस डीओ, और पीएमजी हेड ऑफ रीजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोस्टल रीजन का हेड कौन होता है? जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, कौन होता है? सी ऑप्शन पीएमजी पोस्टमास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेस सर्किल को कौन हेड करता है? ए ऑप्शन डायरेक्टर जनरल, बी ऑप्शन एडिशनल डायरेक्टर जनरल, सी ऑप्शन चीफ पोस्टमास्टर जनरल, डी ऑप्शन आपका डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। तो बेस सर्किल कौन हेड करता है आपके? बी ऑप्शन आएगा इसमें, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। और दोस्तों एपीएस को कौन हेड करता है? जो आपके आर्मी पोस्टल सर्विस, उसमें दोस्तों आपके डायरेक्टर जो आपके एपीएस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आंध्र प्रदेश सर्किल का हेडक्वार्टर है? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन बेंगलोर, सी आपका विजयवाड़ा, डी ऑप्शन आपका तिरुवनंतपुरम। तो इसमें आपका सही आंसर है विजयवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आएगा? सी ऑप्शन विजयवाड़ा। तो दोस्तों जो आपके सर्किल है, ज़्यादा सर्किलों के उनकी राजधानी ही उनका क्या है? हेडक्वार्टर। लेकिन दोस्तों कुछ सर्किल ऐसे है उनकी राजधानी न होकर उनका अलग जो उनके शहर है वो उनके हेडक्वार्टर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है। इसलिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 भी है और क्वेश्चन नंबर 26 भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी है पंजाब, डी है अम्बाला। तो इसमें आपका सही आंसर है अम्बाला। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम में जाने से पहले देख लेना पूरे हेडक्वार्टर। जैसे तो मैं आपको पहले इसको एक वीडियो भी करा दूंगा एग्जाम से पहले, जिसमें आपके सभी सर्किल और उनके हेडक्वार्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के। इसमें पहला है, पीओ गाइड के अनुसार डाकघरों के 3 वर्ग है, सही है। सेकंड है, पीओ गाइड अनुसार एचओ हेड ऑफिस उप डाकघर एसओ जिनमें ईडी उप कार्यालय और ईडीसा का डाकघर, ये भी सही है। तीसरा आपका, प्यो गाइड के अनुसार डाकघरों के 4 वर्ग है, यह आपका गलत है। 6 नंबर है, सेना डाकघरों के पते पर मूल्य देय लेख और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते, ये भी सही है। दोस्तों इसमें आपके कौन कौन से सही है? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शन में आपके? सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा डाकघर पोस्टल बिजनेस के सभी प्रकार के ट्रांजिट नहीं करता? ए ऑप्शन एचपीओ जो आपके हेड पोस्ट ऑफिस, बी सब पोस्ट ऑफिस, सी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, डी जीपीओ। तो इसमें आपका सही आंसर है सी, ब्रांच पोस्ट ऑफिस आपके सभी प्रकार के ट्रांजिट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन से आर्टिकल आर्मी पोस्टल ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं होते हैं? ए ऑप्शन स्पीड पोस्ट, बी है रजिस्टर आर्टिकल, सी है पार्सल, डी है वैल्यूएबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर। तो इसमें आपका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, एपीएस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है जो आपके आर्मी पोस्टल सर्विस है? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है ए नई दिल्ली, एपीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामान्यतः पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर कौन फिक्स करता है? ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी ऑप्शन हेड ऑफ रीजन, सी ऑप्शन हेड ऑफ सर्किल, डी है डायरेक्टर जनरल। तो इसमें आपका सही आंसर है हेड ऑफ सर्किल। तो सामान्यतः पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर कौन फिक्स करता है? हेड ऑफ सर्किल। और दोस्तों वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कौन करता है, मतलब टाइमिंग चेंज कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? आपके डायरेक्टर जनरल।
क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्किंग हावर पीओ गाइड के कौन से क्लॉज में दिए गए हैं? ए ऑप्शन क्लॉज 4, बी ऑप्शन क्लॉज 2, सी आपका क्लॉज 5, डी है क्लॉज 6। तो इसमें आपका सही आंसर है सी ऑप्शन क्लॉज 5। क्वेश्चन नंबर 33 है, पोस्ट ऑफिस के समय को कौन एक्सटेंड कर सकता है? जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया भी था, कौन कर सकता है? डायरेक्टर जनरल, किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाइट पोस्ट ऑफिस पीओ गाइड के किस पार्ट में है? ए ऑप्शन पार्ट फर्स्ट, बी है पार्ट टू, सी है पार्ट थर्ड, डी है पार्ट फोर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर है सी ऑप्शन पार्ट थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 35 है, बड़े शहरों में देरी से पोस्ट करने के लिए कौन से पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं? ये क्वेश्चन आपके GDS 2 MTS एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। ए है आपके नाइट पोस्ट ऑफिस, बी मोबाइल पोस्ट ऑफिस, सी ऑप्शन आपका हेड ऑफिस, और डी है सब ऑफिस। इसमें आपका सही आंसर है बी मोबाइल पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाइट पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के लिए कौन ऑथोराइज करता है? ए हेड ऑफ डिवीजन, बी है डायरेक्टर जनरल, सी ऑप्शन हेड ऑफ रीजन, डी ऑप्शन आपका हेड ऑफ सर्किल। तो 36 में आपका सही आंसर है डायरेक्टर जनरल यानी बी ऑप्शन। तो दोस्तों जो आपके टाइम आवर्स हैं उनको एक्सटेंड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। और ट्रांजेक्शन के लिए कौन ऑथराइज करता है? डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश के दिन कितने बजे तक कार्य होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है GDS 2 MTS एग्जाम में पहले भी। तो दोस्तों नाइट पोस्ट ऑफिस होता है वो संडे या जो अन्य गवर्नमेंट हॉलीडे होता है उन दिनों में कितनी बजे तक कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन से दो नाइट पोस्ट ऑफिस को मनी ऑर्डर बुक करने की परमिशन है? ए ऑप्शन है मद्रास नागपुर, बी मद्रास मुंबई, सी है नागपुर मुंबई, डी है नागपुर मुंबई। तो इसमें आपका सही आंसर है ए मद्रास नागपुर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37 था। अभी नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश के दिन कितने बजे तक कार्य होता है? 10 to 17 यानी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और दोस्तों अन्य दिनों में ये पोस्ट ऑफिस कितने बजे तक कार्य करते हैं आपके? नाइट में 8:30 बजे तक। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाइट पोस्ट ऑफिस में TMO का पेमेंट होता है कितने बजे तक होता है? ए ऑप्शन है 8:30 बजे तक, बी है 7 बजे तक, सी 6 बजे तक, डी है 5 बजे तक। तो इसमें आपका सही आंसर है सी 6 बजे तक आपके TMO का पेमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सटेंड हावर में नाइट पोस्ट ऑफिस में वीकडेज में 7 बजे तक कौन सा कार्य नहीं होता? ए TMO पेमेंट, बी है रजिस्ट्री बुकिंग, आर्टिकल VP आर्टिकल, या TMO इशू, या IPO सेल, या पोस्टेज स्टाम्प, सी है SV डिपॉजिट, सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है TMO पेमेंट। जैसा मैंने भी आपको बताया था ये कितने बजे तक होता है? सिर्फ 6 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 41, नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश को कौन से कार्य नहीं होते? ए ऑप्शन डिलीवरी, बी है मनी ऑर्डर पेमेंट, सी सेविंग एंड सर्टिफिकेट, डी है सभी कार्य नहीं होते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो पूरा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।